नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। लखीमपुर खीरी से एक खबर आ रही है जहां सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो वर्षों से प्रधान ने कोई काम नहीं करवाया है। मामला लखीमपुर खीरी के बिजवा कस्बे के मोहल्ला कुमारन टोला का है, जहां वर्षों से किसी भी प्रकार का मोहल्ले में कार्य निर्माण नहीं करवाया गया है। आपको बता दें कि इस मोहल्ले में आए दिन सड़कों पर गंदगी गंदी नालियों का पानी भरा रहता है। आए दिन इस गंदी गंदगी में कोई ना कोई व्यक्ति गिर कर घायल हो जाता है। मोहल्ले निवासियों ने बताया कि हमने इस मामले को लेकर कई बार बिजुआ ग्राम प्रधान को अवगत कराया है, लेकिन ग्राम प्रधान इस बात को लेकर टाल मटोल करते रहते हैं। बस एक ही बात बोलकर बात टाल देते हैं कि रास्ता और नाली की समस्या को कार्य योजना में डाल दिया गया है। वर्षों गुजर गए लेकिन मोहल्ले में कोई कार्य निर्माण नहीं हो सका। आपको बता दें कि मोहल्ले में न ही कोई सरकारी हैंडपंप लगा है और न ही कोई सोलर लाइट। सड़क की बात की जाए तो सड़क पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी है। कहीं नालियां बंद है तो कहीं नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण बरसात में पूरी सड़क तालाब बन जाती है और मोहल्ले वालों की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समस्त मोहल्ले निवासियों ने बिजुआ वीडियो को ज्ञापन देकर विभिन्न समस्याओं को लेकर मांग की है। जब इस मामले को लेकर बिजुआ वीडियो से बात की गई तो वीडियो ने जाँच के तौर पर मोहल्ले में भेज दिया मनरेगा जेई को। जब मीडिया ने मनरेगा जेई से सवाल किया तो नहीं दे पाए कोई जवाब। और इनका नाली निकास का विवाद है और इसको मौका दिखवाया जा रहा है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल सलूशन होगा वो मौके पे उसका उस ढंग से निस्तारण कराया जाएगा।